अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडे का सालन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए 6 अंडे हमने उबाल लिए हैं। अब इसको हम छीलेंगे बाद में तो आपको दिखाएंगे। ये थोड़ा सा खड़ा मसाला लिया हमने, एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 5-6 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा है, 2 चम्मच चाय वाले, ये हमने धनिया पाउडर लिया है, ये हल्दी का पाउडर लिया है 1 चाय चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च लिए हमने 1 चाय का चम्मच, और ये नमक लिया थोड़ा टेस्ट के हिसाब से 1 चाय का चम्मच, ये भी है, एक ये छोटी प्याज ली है इसको हम पीसने के लिए, और ये 10-12 लहसुन की कलियां हैं, थोड़ी सी अदरक है, ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये 2 छोटे टमाटर थे, ये फ्रोज़न है जिसका हमने छिलका उतार दिया है। तो इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। ये 3 आलू लिए हमने, आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ऐसे ही बन जाएंगे ये। तो इसको भी हम फ्राई करके डालते हैं। अब हम मसाला पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ये सारे मसाले एक साथ पीस लिए, और ये अंडों को हम इस तरह से फोक से छेद कर देंगे जिसमें ये फटे नहीं, चिटक जाते हैं अंडे। थोड़ा सा ध्यान से इसको फ्राई करना पड़ता है। अगर ना फ्राई करना चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और ये आलूओं को भी हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे जिसमें ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे बढ़िया। इसमें हमने सरसों का तेल गरम कर लिया है 100 ml, और ये आलूओं को हम इससे पहले फ्राई कर लेंगे। बहुत छोटे पीस हमने नहीं काटे, बड़े बड़े पीस काटे। बस इतने फ्राई करना है, ज़्यादा हम नहीं डाल करते। इससे भी डार्क किए जा सकते हैं, अगर करना चाहें तो आप कर लें। ये जीरे को छोड़ के सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा तड़क गया तो इसमें ये जो पेस्ट बनाया है उसको डाल देते हैं।
अब ये ज़ीरा भी इसमें हम डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। जो अदरक लहसुन प्याज टमाटर हरा मिर्चा हमने एक साथ पीस लिया था। ये तेज़ पत्ता भी इसमें डाल देंगे। ये सारे सूखे मसाले इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बहुत अच्छे से भूनिएगा जिसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब अगर इस स्टेज पर आलू आपको नहीं डालने हैं तो फिर आप इसमें अंडे डाल लीजिए और थोड़ी देर पका लीजिए, बस ये रेडी हो जाएगा। तो चूँकि हमने इसमें आलू डाले हैं तो हमें आलू को गलाना पड़ेगा। एक कप पानी इसमें हमने डाल दिया। इसमें हम एक सीटी लगा लेंगे और अगर ऐसे ही पकाना चाहें तो ऐसे भी आलू गल जाएंगे। ये देखिए आलू गल गए थे तो हमने इसमें अंडे अभी डाल दिए हैं। अब इसको हम 2 मिनट तक की ऐसे ही पका लेंगे हल्का सा ढक के। ये देखिए ग्रेवी इतनी रखी है हमने। ये थोड़ा सा खुशबू का मसाला है, लौंग इलायची जावित्री जायफल है इसके अंदर, वो हम डाल देंगे 2 चुटकी। इसको हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे और हरे मिर्चें आप चाहें तो डाल दें, ऐसे ही डेकोरेशन में है ये। ये देखिए हमारे अंडे का सालन तैयार हो गया है। इसमें आलू आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालते हैं तो ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ग्रेवी तो ऐसे ही बननी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।